आओ आज कक्षा 9 की ज्यामिति में कुछ संबोधों पर चर्चा करें, जिनमें मुख्य विषय हैं कोण, समांतर रेखाएं और कोण, चतुर्भुज और त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज, कुछ परमेय पढ़ेंगे। हेलो, सभी का अभिनंदन। आओ ज्यामिति के अनुप्रयोगों को समझें वास्तविक दुनिया में। हेलो मिस्टर ट्रेन, आप जिन आकृतियों को लेकर जा रहे हैं, आइए उन्हें समझते हैं। सबसे पहली आकृति है वृत्त। देखो कितनी अच्छी लग रही है, और चलने वाली गाड़ी वृत्तीय पथ पे कैसे घूम रही है। अगली आकृति है त्रिभुज। आपको पता है पिरामिड त्रिभुज की आकृति से बने हैं। ये पिरामिड मिश्र में होते हैं। त्रिभुजाकार रेल पथ में देखो मिस्टर ट्रेन भी चल रहा है। तीसरी आकृति है वर्ग। देखो कितने अच्छे तोहफे पैक किए हैं, और खेल का एक ब्लॉक भी बना है। ये देखिए किस तरह से ब्लॉक बन रहा है। वर्ग की चार भुजाएं होती हैं। अगली आकृति है पंचभुज, जो अक्सर फुटबॉल में बनी हुई दिखती है। ये फुटबॉल में काली आकृति पंचभुज है। इसे हम लकड़ियों से बनाकर देख सकते हैं। ये देखिए लकड़ियों से कैसे पंचभुज बनाया जा रहा है। ओहो, रुको रुको रुको, देखो स्टॉप। ये स्टॉप की आकृति षटभुज है। इसे भी बनाकर देखते हैं। छह बीन की मदद से ऐसे षटभुज बनता है। देखिए कितना सुंदर। हमारी अगली आकृति है स्टार, सुपर स्टार। देखिए रेड डॉट पे कैसे दौड़ रहा है। देखिए देखिए देखिए, वाह वाह, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए डॉट पे कैसे चल रहा है। अब अगली आकृति की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगली आकृति है डायमंड, जो पतंग की एक ट्रक की मदद से डायमंड बनाना सीखते हैं। देखिए अरे, अब अगली आकृति जो दिल की आकृति जैसी है, इसे हार्ट शेप भी कहते हैं। हेलीकॉप्टर कैसे दिल की आकृति बना रहा है। आहा, क्या सुंदर आकृति है। इसे हार्ट शेप कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर आकृति बनी है। और अब हमारी नौवीं आकृति है ये अंडे जैसे आकृति के ओवल। कितने सुंदर और व्यवस्थित दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और सारे ओवल कितने व्यवस्थित तरीके से लगे हैं। अब हमारी अगली आकृति है आयत। यह ब्लॉक बनाकर कैसे सुंदर लगती है, जैसे ईंटों से बनी इमारत की दीवार। देखिए और आज इस तरह से हमने जाना इन सभी आकृतियों को, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज, षटभुज, स्टार, डायमंड, हार्ट, ओवल और रेक्टेंगल। ये आकृतियां ये। बाय बाय। आइए कोण की परिभाषा समझते हैं। दो लाइनों के मिलने या मिलन से कोण बनता है। कोण के बीच की जगह कोण की माप होती है। चित्र में लाइन BA और BC कोण की भुजाएं होती हैं, और इनके मिलन बिंदु को शिखर कहा जाता है। तीन अक्षरों A, B
और सी के द्वारा कोण को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कोण ए बी सी या कोण सी बी ए। शीर्ष पर एक लिखने पर कोण को कोण एक से प्रदर्शित किया जाता है, और यदि हम शीर्ष पर बी लिखें तो कोण को कोण बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए कोण मापन को समझते हैं। लंब कोण या समकोण या राइट एंगल, किसी लाइन का एक चौथाई घूमना राइट एंगल लंब कोण कहलाता है। समकोण इक्वल टू 90 डिग्री। सरल कोण स्ट्रेट एंगल, रेखा का आधा वृत्त घूमना या टू राइट एंगल्स एक सरल कोण कहलाता है। एक सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है। न्यून कोण या एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम और शून्य से अधिक का कोण न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का कोण अधिक कोण कहलाता है। वृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से अधिक का कोण वृहद कोण होता है। सरल रेखा पर कोण, दो समकोण का योग एक सरल रेखा अर्थात 180 डिग्री के बराबर होता है, अथवा एक सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक बिंदु पर बना कोण, एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 360 डिग्री। रेखा युग्म पर बना कोण, माना एल और के दो रेखाएं हैं। रेखा एल तथा रेखा के एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात रेखा एल और रेखा के प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। रेखा एल और रेखा के एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं और अक्सर इन्हें तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लंब परपेंडिकुलर रेखाओं चित्र में रेखा एल रेखा के, समान रहती है। समांतर रेखाएं और कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, जैसे चित्र में ए और बी शीर्षाभिमुख कोण हैं, उसी प्रकार सी और डी शीर्षाभिमुख कोण हैं। चित्र के अनुसार कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री सरल कोण है, उसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री सरल कोण है। दोनों को जोड़ने पर कोण ए बराबर कोण बी अर्थात शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आओ संगत कोण के बारे में जानें। रेखा एल पर पांच रेखाएं समांतर कटान करती हैं, जो एल पर संगत कोण बनाती हैं और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। यहाँ चित्र में रेखा ए और बी को रेखा एल पर काटती है तो भी संगत कोण बराबर होंगे।
एक अंतरकोण, जेड आकृति की रेखाओं से या चित्र के समान बने कोण एकांतर कोण होते हैं, जो हमेशा बराबर होते हैं। अब कुछ अभ्यास करें। कागज को मोड़कर कोण बनाएं। जब आप किसी कागज को इस प्रकार मोड़ते हैं कि आरंभिक किरण अंतिम किरण पर पड़े, तो इससे कोण का समद्विभाजन होता है। अपने ज्ञान का उपयोग कर 180 डिग्री, 90 डिग्री, 77.5 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 22.5 डिग्री व 11.25 डिग्री माप वाले कोण बनाने का प्रयास करें और बताएं कौन से कोण मोड़कर बनाने में आसान थे, कौन से बनाने में मुश्किल या असंभव थे। ये सभी कोण 180 डिग्री से कम क्यों हैं? क्या इस मान से बड़े कोणों को समद्विभाजित करना संभव है? आइए अब चतुर्भुज के बारे में कुछ जानें। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चित्र के अनुसार कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू 360 डिग्री। आइए चतुर्भुज के चारों प्रकारों के बारे में जानें। डिग्री होता है। पहला, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज रोम्बस। समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा समचतुर्भुज के विकर्ण शीर्ष कोणों को समद्विभाजित करते हैं। आयत रेक्टेंगल। आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं तथा विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं। वर्ग स्क्वायर। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं। सर्वांगसम तथा त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। के विकर्ण दो त्रिभुजों में शीर्ष कोणों भुजाएं या द्विभाजित या क्षेत्र समान या बराबर हैं तो वे त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एक्स वाई जेड। सर्वांगसमता के नियम। केस वन, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे और साइड 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 SSA सर्वांगसमता कहलाएगी। केस टू, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो
तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तथा SAS साइड एंगल साइड सर्वांगसमता कहलाएगी। केस 3, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे तथा एंगल साइड एंगल ASA सर्वांगसमता का नियम। एक समकोण त्रिभुज के लंब कर्ण और भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के लंब कर्ण और भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड सर्वांगसमता होगी। आइए अब एक प्रमेय समझने की कोशिश करते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मापन बराबर होता है। अगली प्रमेय है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए इसे समझते हैं।